नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपका जो है एसएससी जीडी का आंसर की जो है ऑफिशियली आ चुका है। अभी तक जो है ऑफिशियली आंसर की नहीं आया था, जिस वजह से जो है बहुत से स्टूडेंट ने जो है आंसर के अपना डाउनलोड नहीं किया था। तो आज जो है आपका 30 अप्रैल 2019 को नोटिस जारी कर दिया है कि एसएससी का ऑफिशियल जो है आंसर की आ चुका है डाउनलोड, या फिर आप अपना आंसर की जरूर देखिए। देखिए, जिन्होंने देख लिया है एक बार वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत से जो स्टूडेंट बता रहे कमेंट करके कि मतलब नंबर जो है हमारे इंक्रीज हुए, 2 नंबर 3 नंबर, हो सकता है यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन करके जो है आंसर क्या आया होगा। ठीक है, तो जैसे ही नोटिस आया तो मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी जो है आप लोगों को देखा नहीं हूँ अभी कि जो है नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं या नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दूँ कि एसएससी की ऑफिशियल साइट पर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई आपको लिंक नहीं मिलेगा कि एसएससी जो आंसर की है किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, मैं एक बार नोटिस आप लोगों को पढ़वा देता हूँ। ठीक है, तो ये नोटिस मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है नोटिस में उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोटिस जो आया है, यहाँ पर आपको वो कहा गया है कि यहाँ पर क्या करना है कि रोल नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, रोल नंबर और पासवर्ड का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर रोल नंबर और पासवर्ड से जो है आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ऑफिशियल साइट पर तो कोई लिंक होता नहीं है किस प्रकार से जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक लिंक नीचे दिया हुआ है, इस लिंक का क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो इस लिंक पे क्लिक मैं करता हूँ तो यहाँ पर दूसरा जो है ओपन हो जाएगा पेज। ठीक है, देखिए ये जो ऑफिशियल जो है आपकी पुरानी साइट है एसएससी की, ठीक है, वो इसी नोटिस पे क्लिक करना है आपको, और जो है वहाँ पर जो नीचे सबसे दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। देखिए, तो यहाँ पर आंसर की के बारे में बताया गया है। दूसरा पेज देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं क्लिक कर लेता हूँ तो दूसरा पेज यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ऑफिशियली जो है लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस लिंक के माध्यम से, ठीक है, ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन पे करना है उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चैनल से जुड़े नहीं हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, कल मैं आपको वीडियो अपलोड कराऊंगा किस किस क्वेश्चन पर। मैंने जो है आप लोग मतलब जुड़े हो गए मेरे चैनल से, तो मैंने जो है एक तीन व्हाट्सअप ग्रुप बना के जो है मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। एक बार फिर से जो है नई आंसर के आने के बाद जो है फिर से एक बार मैं देखूंगा वो क्वेश्चन, अगर वही क्वेश्चन अगर सही है, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर सही है मतलब सही करके अगर दिया है तो फिर ऑब्जेक्शन करने से कोई मतलब नहीं। अगर वही क्वेश्चन अगर मतलब गलत ही है तो वहाँ पर एक बार ऑब्जेक्शन हमको करना होगा। ठीक है, तो किस शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है उस पर वीडियो आप लोगों को फुल्ली जो है कम से कम 20 मिनट का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या डालना है, यूज़र आईडी मतलब वही डालना है, आपका जो रोल नंबर था वही डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड में आप लोगों को जो है डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लिया है। ठीक है, पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है आप आसानी से उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना था जिन्होंने देख लिया है। ठीक है, नहीं देखा है एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जाना है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक है, जैसे आप नोटिस मतलब जैसे डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट है ना, तो ये जैसे गूगल क्रोम में जाने के बाद आप जो है एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को ये सबसे पहले जो है नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, नोटिस पे क्लिक कर लीजिएगा, ये डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये मुझे बोल रहा है रिप्लेस फाइल। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ऑफिशियली मतलब उस नीचे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं न्यू फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, और एक बार फिर से आप देखिए नीचे जो सबसे लिंक दिया है, सबसे नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है आपको, ये एसएससी की ऑफिशियल जो पुरानी साइट थी उस पर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये पुरानी साइट है एसएससी की, यहाँ पर आपको नीचे क्लिक करना है एक बार फिर से, और फिर जो है आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर क्या डालना है, यूज़र आईडी में आपको जो है आपका रोल नंबर डालना है, वहीं आपका पासवर्ड में जो है आपके डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी और आपने आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अपने नंबर जरूर एक बार कमेंट करिएगा, आपके नंबर जो है नए आंसर के आने के बाद कितने बड़े हैं, कितने घटे हैं, क्या चीज़ हुआ है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें जो है मुझे बताऊँगे आप। ठीक है, और अगर तो चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एसएससी की जो है हर अपडेट सबसे पहले देते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।